भाई ने पूछा शुगर का इलाज बता दें। शुगर कोई बीमारी नहीं है, शुगर कोई बीमारी नहीं है। शुगर कहते हैं जब आपका पेंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता, तो इलाज किसका करना चाहिए? पेंक्रियाज का। तो सबसे पहले ये जानो पेंक्रियाज इंसुलिन बनाना कब बंद करता है, जब आपके बर्तन सिल्वर स्टील के होंगे, जब आपका खाना जो है वो ऐसे कुकिंग ऑयल में होगा जो जमता है, जब आप चीनी इस्तेमाल करेंगे, जब आप जो सी सॉल्ट है वो इस्तेमाल करेंगे, जब आपका आटा लोहे की चक्की वाला होगा, स्टील की चक्की वाला होगा। तो शुगर का इलाज करना चाहते हो तो अपना खाना मिट्टी के बर्तन में बनाओ, सरसों के तेल में बनाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ लो, और पानी कभी, ये पांच पानी अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। फिल्टर का पानी, फ्रिज का पानी, इलेक्ट्रिकल कूलर का पानी, डिस्पेंसर का पानी, और आर्टिफिशियल बर्फ़ से ठंडा किया गया पानी। एक मुल्क है वहाँ ये कोई भी चीज़ इस्तेमाल ही नहीं होती, ये कोई चीज़ इस्तेमाल, और उन लोगों को ज़िंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होता। कौन सा मुल्क होगा? फिर चाइना। वो पानी हमेशा कौन सा पीते हैं? वो नीम गर्म पानी पीते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, पानी जो बोर वाला है ना, जो ज़मीन वाला है, अच्छा एक बात बताओ, और 60 साल पहले जो फिल्टर नहीं सी होंगे, मिनरल वाटर नहीं सी होंदा, जो साढ़े माँ बाप साढ़े बड़े दादे डंगर चरान जाते छप्पड़ा के बिचों पानी पीते, उन्होंने गुर्दे खराब क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होते? वो भी इंसान ही थे कि जानवर थे? इंसान थे ना। अच्छा वो तो हमारी तरह इतनी हाइजेनिक फूड भी नहीं खाते थे, वो तो हमारी तरह उनके अस्पताल नहीं थे ना, हमारे तो एक एक चीज़ का एहतमाम किया जाता है, लेकिन फिर भी हम बीमार हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये पानी छोड़ दो, और इसके लिए 3 दवाइयाँ बनाओ। 100 ग्राम कलवंजी, 100 ग्राम मेथी दाना, इसको मिक्स कर लो। 5 ग्लास पानी लो, 3 चम्मच कलवंजी मेथी दाने के डालो, 3 चम्मच उसमें लेमन मिलाओ, उसको इतना पकाओ कि 5 ग्लास पानी 4 ग्लास रह जाए। 1.25 ग्लास सुबह, 1.25 दोपहर, 1.25 शाम, खाने से आधा घंटा पहले ये पानी पियो। अदरक लहसुन पुदीना अनारदाना इसकी चटनी बनाओ, हसबे जायका इसमें सब्ज़ मिर्च मिलाओ। ये चटनी के 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, हर खाने के साथ खाओ। तीसरे नंबर पे मुरिंगा पाउडर लो, ये जो सुहांजने के पत्ते होते हैं, इस पत्ते को सुखा लो, इसका पाउडर बना लो। 2 कप पानी में 1 चाय का चम्मच मुरिंगा पाउडर डाल लो, आधा उसमें नींबू डालो, उसको इतना पकाओ कि 2 कप पानी 1 कप रह जाए। 1 कप सुबह 1 शाम, खाने के बाद ये जो आप चाय पीते हो, कावा पीते हो, इसके तौर पर ये पियो। रात को 1 गिलास दूध लो, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 लौंग, इसको इतना पकाओ, 1 गिलास दूध पौना रह जाए। इसको मेरे मोहतरम भाइयों सोने से पहले पियो।